आज सकाळपासून आपण प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सगळे फिरतोय मीराबाई शहरामध्ये आणि आज गर्वाची गोष्ट आहे, आनंदाचा दिवस आहे. 24 महाराष्ट्र फास्टची टीम या काही काही ठिकाणी पोहोचण्याचा प्रयत्न करते आणि आज काशीमीरा शहरामधील बाबलीचा पाडा या गावामध्ये उपस्थित आहोत. आपण पाहू शकता आजूबाजूला माझे लहान लहान मुलं दिसत आहेत. या खऱ्या अर्थाने या बाबलीचा पाडा या गावामध्ये प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्याचं काम आयपीएफची टीम करत आहे. आयपीएफ ही टीम इथल्या विद्यार्थ्यांना मुलांना काही ना काही शिक्षणासाठी मदत होईना घरामध्ये अन्नधान्य देण्याचं काम ही टीम करत असते. आपल्यासोबत तिथले त्यांचे काही कार्यकर्ते आपण त्यांच्याकडून जाणून घ्या कशा प्रकारे त्यांचा आजचा प्रोग्राम आहे. 2010 साल हो गया अभी हमारा एनजीओ ये गाँव में आके सभी आदिवासी बच्चों को गरीब बच्चों को एजुकेशन 10 है कि 12 बच्चों लोग ही करता था कुछ साल पहले 2010 से. अभी सभी बच्चों लोग स्कूल जाना चालू हो गया. हमारा एक ही मुद्दा है सभी बच्चों लोगों को कैसे अभी पढ़ाई करवा के अपना इंडिया के लिए एक मजबूत बनावे. उसके लिए हम लोग जास्ती एजुकेशन के ऊपर ही ध्यान देते हैं. तो इसलिए गांव में आके 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त है, ऐसे प्रोग्राम में उनका एजुकेशन के लिए किताब और पेंसिल है कितने भी स्कूल एसेसरीज है वो दे के उनको मोटिवेशन करके पढ़ाई तक पहुंचावे, स्कूल तक पहुंचावे. कोई बच्चों लोग को तकलीफ है, उनका माँ बाप बीमार है, कोई घर का काम के लिए जाता है, तो उन लोगों को सभी एसेसरीज दे के उनको आगे देके जाना ये हमारा कर्तव्य है. 10 साल से हम करते आ रहे हैं तो सोच रहा हूँ आप लोगों का सेवा से अभी हमारा जो आईपीएफ टीम्स है सभी लोग है इधर, तो कम से कम 100-150 टीम में फैमिली मेम्बर्स है हमारा. बच्चों लोग को हर साल 200 बच्चों लोग को हम लोग एजुकेशन सपोर्ट देते हैं और आगे भी करते रहेगा, वो 1000 तक होवे ऐसा हमारा उम्मीद है. सभी बच्चों को जितने भी बच्चा लोग है मीरा भाईंदर का अगर पढ़ाई को लेकर तकलीफ निकाल रहे तो हमारा वादा है उनको पढ़ाने के लिए हम एग्री है. आज एक्चुअली हम सब के लिए खुशी का दिन है और हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित है. सबसे पहले मैं 71वां गणतंत्र दिवस अच्छा सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बोलता हूँ. और आज आईपीएफ फाउंडेशन से यहाँ पे आयोजित किया गया है बबल बस्ती में और इधर सब छोटे छोटे बच्चे लोग हैं. ये बच्चे लोग जो है हमारा आगे भारत की भविष्य है. इस बच्चों के बीच में आईपीएफ फाउंडेशन ने बहुत अच्छा कार्यक्रम लिया है. यहाँ पर बच्चों लोग के लिए खाना, बिस्किट और नोटबुक्स सब जो है पूरा आईपीएफ फाउंडेशन यहाँ पर कार्यक्रम बार बार करते रहते हैं. उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह आगे इस तरह काम करते रहे. इस बस्तियों का एजुकेशन के बारे में और बच्चों का जरूरत की चीज़ के बारे में थोड़ा ध्यान देवे और देते रहेगा और हम लोग सब साथ में हैं, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. उसके लिए मैं अपना जॉन भाई टीम को पूरा बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नक्कीच आज बाबलीचा पाडा इथे जॉन भाईच्या किंवा आयपीएफ टीमच्या मार्फत इथे सविचारी मोठ्या उत्साहात आनंद पार पडतोय आणि कुठे ना कुठे देशाचं भविष्य पुढे बनणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्या देण्यासाठी किंवा शिक्षण देण्यासाठी हातभार लावण्याचं काम आयपीएफची टीम करत आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट नंदा गोगीसह मी रोशन कांबळे 24 तास महाराष्ट्र फास्टसाठी मिळत. ताज्या व ठळक बातम्यांसाठी आज चॅनल सबस्क्राईब कर.